जो यही है चैट पीस जा रहे हैं। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने में भी, हम लोग जाएंगे चांदनी चौक या लाजपत। लेट ही आगे आपको इस व्लॉग में दिख जाएगा। तो आज का शॉपिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरे घर में मेरे ब्रदर इन लॉ का अभी इंगेजमेंट है, तो उस पर्पज से मुझे लहंगा लेना है। इसके बाद तो पता नहीं मैं लहंगा परचेज करूँगी नहीं करूँगी, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कुछ अच्छा ही लिया जाए। तो या आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेट ही हमें क्या मिलता है, तो सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। तो हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे लाजपत नगर पहले, एंड अगर वहाँ पे नहीं कुछ पसंद आता है तब हम जाएंगे चांदनी चौक मार्केट। इस हिसाब से हम घर से हमेशा जल्दी निकलते हैं। अगर हमें दूर जाना होता है जैसे सरोजनी, चांदनी चौक या फिर लाजपत नगर, तो हम कोशिश करते हैं कि 10-11 बजे घर से निकल जाएँ, सो दैट पूरा दिन हमारे पास हो एंड आराम से हम शॉपिंग कर पाएँ। एंड अभी हम लोग यहाँ पर ग्रेटर नोएडा वाले मेट्रो स्टेशन पर आ गए हैं। एक और बात मैं आपको बता दूँ, मैं आज पीयूष के जा रही हूँ इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पीयूष कभी भी ऐसे भीड़ वाले जगहों पे मेरे साथ शॉपिंग करने नहीं जाते हैं, तो मैं हमेशा अकेले ही जाती हूँ। बट इस बार ऑल ऑफ सडन उन्होंने बोला कि चलो आज मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ लहंगा शॉपिंग करने। तो मैं सोची चलो यार और क्या ही चाहिए, मुझे कंपनी मिल गया, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड जब भी मैं ये वाले मेट्रो स्टेशन पर आती हूँ ना, तो मैं सीधे एक बार ज़रूर देखती हूँ। तो ये ग्रेटर नोएडा का पूरा जो रास्ता है, पूरा अच्छा व्यू आता है, देख कर बहुत मज़ा आता है। तो मैं अभी सीधा वहाँ गई एंड पीयूष को भी बुला रही हूँ कि देखो ऊपर से कितना अच्छा दिखता है। तो ऊपर से इतना सुंदर लगता है, लगता है किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। नो डाउट बहुत सुंदर जगह है ग्रेटर नोएडा। मैं अभी तक जितने शहरों में भी गई हूँ ना, वहाँ से सबसे ज़्यादा सुंदर अगर कोई जगह है तो वो मुझे लगता है ग्रेटर नोएडा। तो ग्रेटर नोएडा से हम लोग जा रहे हैं सीधा लाजपत नगर। तो 1.5-2 घंटा लगता है मेट्रो से। यहाँ पे हम लोग अभी बैठ गए हैं एंड ट्रेन मेट्रो बहुत ही खाली होता है यहाँ से, तो ज़्यादा कुछ रश होता नहीं है सुबह सुबह। अभी हम लोग पहुँच गए हैं लाजपत नगर मार्केट, एंड मैं यहाँ पे बहुत टाइम बाद आ रही हूँ, डेढ़ साल बाद आ रही हूँ। तो यहाँ पे मैं भूल गई थी कि कौन से रास्ते से निकलूँ सो दैट कि सीधा वो मार्केट में मुझे निकाले। तो मैं किसी तरह से पूछ के फाइनली यही वाले गेट से निकली। तो यहाँ पे ना ये जो रोड है, ये जैसे जैसे दिन बीतता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ ऐसे होने लगता है। तो अभी दिन का टाइम है, 12 बज रहा है, 12:01 कुछ यही टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे ना अभी बहुत सारे रोड साइड वाले जो वेंडर भैया लोग होते हैं, वो लोग अपना स्टॉल वगैरह सेटअप करना शुरू कर देते हैं। ये वाला शॉप हमेशा यहीं पे होता है, एंड इनके पास जो बैग का कलेक्शन होता है बहुत क्यूट होता है, बहुत अच्छा होता है। मेरा मन था रुक के देखने का, बट पीयूष के साथ कहीं भी जाओ ना तो माइंड में एक चीज़ हमेशा मतलब लेके चलना होता है कि जिस काम के लिए आए हैं उसको पहले करो, एंड अगर आपके पास टाइम बचे तभी आप इधर उधर भटको। तो वो मुझे खींच खींच के सीधे मार्केट में ले जा रहे हैं एंड मुझे बार बार रिमाइंड करा रहे हैं कि तुम लहंगा परचेज करने आई हो। एंड एक और बात मैं आपको बता दूँ, हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था तो इसलिए हमें जल्दी जल्दी शॉपिंग करना था। वैसे मैं आपको बता दूँ, ये डोलमा आंटी वाला जो मोमोज है ना, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो जब भी आप यहाँ पर जाना, एक बार यहाँ का ट्राई ज़रूर करना। और एक बात मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे ना जाते ही ये जो बड़ा वाला आपको बिल्डिंग दिख रहा है, मैं अपना जो इंगेजमेंट पे जो ड्रेस पहनी थी ना, मैं वो इसी शॉप से परचेज की थी। एंड पीयूष को पानी पूरी देखकर ना यहाँ पे लालच आ गया, तो वो खाए पानी पूरी एंड इसका रिजल्ट बहुत ही ख़राब हुआ, उनका तबीयत ख़राब हो गया। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ना मार्केट में बहुत सारी चीज़ें देखकर मतलब बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी अट्रैक्ट करता है। इस तरीके का ज्वेलरी बॉक्स और किसी भी लोकल मार्केट में मुझे देखने को नहीं मिलता है। काफ़ी यूनिक आपको टेबल मैट वगैरह मिल जाएगा, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे भी होता है।
तो इस गली में ना सीधा मैं आपको लेके चलती हूँ, एंड जो भी मुझे दिखेगा मैं बाहर से ही आपको टूर करा देती हूँ कि अभी लाजपत नगर में किस टाइप का कलेक्शन है, सो दैट आपको आइडिया मिल जाएगा। मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं हर शॉप पे नहीं जा सकती हूँ, तो इस मार्केट से आप कर्टेन वगैरह ये सारा कुछ भी परचेज कर सकती हो, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे मिलता है। पहले मुझे ये नहीं पता था, फिर मेरी फ्रेंड ने बताया कि यहाँ पे कर्टेन्स वगैरह के लिए बेस्ट है, लाइक बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अभी तो हम लोग आए हैं लहंगा परचेज करने, तो चलो चलते हैं लहंगा परचेज करने। एंड मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे एक शॉप रिकमेंड किया है मल्होत्राज, तो सबसे पहले पीयूष ने बोला कि चलो उसमें ही चलते हैं। एंड यहाँ पे वेस्टर्न कपड़ों के लिए भी ना बहुत अच्छा अच्छा शॉप आपको मिल जाएगा, जैसे इन शेन, हाँ आई थिंक यही प्रोनाउंस करते हैं, आई एम नॉट श्योर। तो इस टाइप का बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पे शॉप है जिससे आप शॉपिंग कर सकती हो। तो अभी हम लोग ना वो शॉप को ढूंढने निकल पड़े हैं मल्होत्राज, एंड रास्ते में जो भी शॉप मुझे आप दिख रहा है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। लाजपत नगर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एंड भूल भुलैया जैसा है, तो आप पक्का मेरी तरह, मतलब मैं तो इतनी बार यहाँ गई हूँ फिर भी ना मुझे ध्यान नहीं रहता है कि कौन सी गली में क्या है, तो मैं हर बार भैया से ऐसे पूछ के ही जाती हूँ। बस ये वाला मुझे याद है क्योंकि मैं हमेशा यहाँ पे जाके बेंच वगैरह होता है तो मैं यहाँ पे बैठ के पानी वानी पीती हूँ एंड थोड़ा सा रिलैक्स होती हूँ। तो अभी एक और बात मैं आपको बता दूँ, ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे खाने पीने का भी बहुत ऑप्शन है, छोले भटूरे यहाँ का फेमस है, चाट कॉर्नर इस जगह का, मतलब इस स्टॉल का नाम है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है वो। एंड अभी हम लोग सीधे वो शॉप ढूंढ रहे हैं। मैं ये वाले एरिया में बहुत बार आई हूँ बट मेरा कभी ध्यान नहीं गया था ऐसे। यहाँ पे आपको ड्राई फ्रूट्स भी मिल जाएगा, इसके बाद ठीक यहाँ से एक पतला सा गली निकलता है वो सीधा आपको अंदर लेके जाएगा, एंड यहाँ पे भी बहुत सारा शॉप है। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं पूछते पूछते कि मल्होत्राज किधर है, तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। अभी चलते हैं अंदर, बट अंदर वीडियो लेना अलाउ नहीं है, यहाँ किसी भी शॉप पे अलाउ नहीं करते हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं ले पाई। एंड अंदर जाकर पता चला कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब जो लहंगा वगैरह दिखी मुझे उतना पसंद भी नहीं आया। तो हम लोग आ गए बाहर, एंड बाहर आने के बाद मुझे लगी भूख, तो मैं बोली कि चलो खाते हैं छोले भटूरे। फिर हम लोग यहाँ पे आए एंड 100 रुपीज़ में बहुत अच्छा छोले भटूरे मिला, स्पेशली इसका इसके साथ जो अचार होता है ना वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम दोनों पहले पेट पूजा किए एंड इसके बाद वापस से मेरा ध्यान हो रहा था इधर उधर कुछ खाने का, फिर पीयूष मुझे याद दिलाएं कि तुम्हें लहंगा परचेज करना है। फिर हम लोग ये वाले गली में आ गए, मेन जो लाजपत नगर वाला जो गली है उसमें ये ब्लाउज का 2-3 स्टॉल है, एंड लाजपत नगर ब्लाउज के लिए बहुत अच्छा मार्केट है। यहाँ पर आपको ना हर वेराइटी का ब्लाउज मिल जाएगा, लाइक जो भी सेलिब्रिटी लोग पहनती हैं उस टाइप का ब्लाउज मिल जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 250 रुपीज़। ये वाला जो ब्लाउज मैं दिखा रही हूँ इसका भैया 1500 बोल रहे थे, एंड काफ़ी सुंदर था। इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे, प्लस आपको जिस भी पैटर्न का ब्लाउज चाहिए उस टाइप का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर आपको लहंगा अलग से बनवाना है एंड ब्लाउज अलग से परचेज करना है, डेफिनेटली आप ये वाले शॉप को कंसीडर कर सकती हो। यहाँ पे आपको हर टाइप का ब्लाउज मिल जाएगा, अभी जितने भी जो ट्रेंड में ब्लाउज हैं ऑलमोस्ट सारे ही स्टार्टिंग फ्रॉम 500-250 रुपीज़ में यहाँ पे आपको मतलब मिलना ब्लाउज शुरू हो जाता है 250 के, एंड 1500-2000 रुपीज़ तक बहुत अच्छा अच्छा ब्लाउज मिल जाएगा। प्लस अगर आप चाहो तो अलग से यहाँ से घाघरा भी परचेज कर सकती हो, तो इस टाइप का रफल काइंड ऑफ ब्लाउज ये भी अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, ये आपको 1000 रुपीज़ में मिल जाएगा। अगेन अभी मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना है इसलिए मैं अभी दूसरे लेन में आपको लेके चलूँगी, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये वाला जो दोनों शॉप है ये ठीक इन सेंस जो शॉप है उसके अपोजिट है। अभी मैं आपको लेकर आई हूँ एक और गली में, जिसमें हम लोग सोचे कि इसमें भी लहंगा का शॉप होगा, बट इसमें कोई लहंगा का शॉप नहीं था, एंड मुझे बस घूमना था इसलिए मैं पीयूष को ज़बरदस्ती लेकर आई हूँ। एंड इस वाले गली में भी आपको वेस्टर्न आउटफिट का बहुत सारा शॉप मिल जाएगा। एक और शॉप मैं आपको बताने वाली हूँ जो बहुत अच्छा शॉप है, उसका नाम है वस्त्र करके, स्त्री वस्त्र
ठीक ये कॉर्नर पे है। यहाँ पे आपको फैब्रिक वगैरह अगर परचेज करना हो तो आप यहाँ से परचेज कर सकती हो। यहाँ पे आपको हर वैरायटी का जो भी फैब्रिक चाहिए साड़ी के लिए, लहंगा के लिए, ड्रेस के लिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बहुत ही फेमस एंड बहुत अच्छा शॉप है। मैं यहाँ से परचेज की हूँ एंड मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ से परचेज करते हुए सुना है, देखा है। तो अभी मैं निकल आई हूँ मार्केट के बाहर। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे पूरा मार्केट घूमने के बाद भी मुझे नहीं मिला मेरे बजट में जो लहंगा चाहिए था, तो इसलिए मैं अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं एंड हम लोग सोच रहे हैं कि चलो चलते हैं चांदनी चौक। तो बस यही था आज का हमारा शॉपिंग वाला व्लॉग, जिसमें कि हमने शॉपिंग तो कुछ किया ही नहीं, बस गए घूमे। आइडिया हो गया कि यार मुझे इतना पता चल गया कि लहंगा वगैरह के लिए बेस्ट मार्केट जो है ना वो है चांदनी चौक की। नो डाउट आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बट हाँ वहाँ पे एज कम्पेयर टू लाजपत नगर आपको सस्ता मिलेगा। वीडियो पसंद आया